नमस्कार, आर्यन न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोनी। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 40 नए व्यक्तियों ने थामा भाजपा का दामन। जिलाध्यक्ष अंकुर जैन के नेतृत्व में किया भाजपा में प्रवेश। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अंकुर जैन के नेतृत्व में लगभग 40 लोगों ने भाजपा का दामन थाम। वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अंकुर जैन द्वारा उक्त कार्यक्रम में शामिल हुए नए व्यक्तियों को भाजपा में प्रवेश कराते हुए उन्हें भाजपा का गमछा एवं टोपी पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया। श्री जैन ने कहा कि मोदी जी की लोकप्रियता का ही परिणाम है, जिसे आज हर वर्ग हर समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ हरमान प्रसाद यादव की रिपोर्ट। ये जो आज बैठक की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होके और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होके आज मनेन्गढ़ में बड़ी संख्या में आज 40 से ज़्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश लिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के द्वारा जो भारत का मान सम्मान विश्व स्तर पर बढ़ा है और G20 सम्मिट भी भारत में हो रहा है, लगातार ऐसे प्रोग्राम और जनहित के जो योजनाएं चल रही हैं उन सभी से प्रभावित होके बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी सभी ने प्रवेश किया है। मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आने वाले समय में मनेन्गढ़ विधानसभा हो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और यहाँ पे जिस तरह कांग्रेस के साढ़े चार सालों में भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है, जो 40% कमीशन का खेल हो रहा है, उन सभी से मनेन्गढ़ की जनता, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है। हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले चुनाव में बनेगी।